ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अधीन करोड़ों की लागत से निर्मित गौ सेंचुरी खबल के संचालन के लिए राजनीति की जा रही है तथा राजनीति की इस चक्की में किसान पिस रहे हैं, जबकि बेसहारा मवेशी मौत का ग्रास बन रहे हैं। पूर्व बीजेपी सरकार ने गौ सेंचुरी खबल का प्लान तैयार करके बजट का प्रावधान करवाकर इसका आलीशान भवन तैयार कर और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दिसंबर 2022 में इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन अब सत्तासीन कांग्रेस सरकार खासकर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार इसका संचालन करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इस भवन की कोई देखरेख नहीं है, इसके मेन गेट खुले हुए हैं तथा इसके ऊपर लगाया गया बोर्ड हवा से नीचे गिरा हुआ है। बेसहारा पशुओं से परेशान होकर लोग बेसहारा पशुओं को गौ सेंचुरी में ले आते हैं और तूड़ी वाले शेड के अंदर करके बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे बिना खाना पानी के बेसहारा पशु तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। जिसमें कि मैंने कड़ा संज्ञान लिया और मैंने एक्सएल पीडब्ल्यूडी को फोन किया कि ये जो गौ सेंचुरी है ये आपने हैंड ओवर कर दी है, तो उन्होंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री को हमने हैंड ओवर कर दिया। जैसे मैंने एनिमल हस्बेंड्री को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसको जो मेन गेट है, जब तक ये फंक्शनल नहीं होती है तब तक इसका मेन गेट जो है बंद रखिए। और आपके माध्यम से मुझे लोगों को भी यही संदेश देना है कि आपने जो आवारा पशु हैं, कृपया करके उस जो हमने काउ सेंचुरी बनाई है, जब तक फंक्शनल नहीं होती है तब तक वहाँ नहीं छोड़े। अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए।